गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका शिक्षक साथी जे आर करेला नमस्ते इंडिया चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप में से कई दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर 1857 की क्रांति से रिलेटेड दो युद्ध है, एक का नाम है भीथोड़ा का युद्ध और दूसरे का नाम है छलावास का युद्ध, इन दोनों के संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। कोशिश करूँगा मैं उनके संबंध में जानकारी देने की। दोस्तों, अगर आपने वीडियो शुरू कर दिया है तो आपको नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबाकर ऑल सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसकी शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद राजस्थान के अंदर अंग्रेजों की 6 छावनियों में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण छावनी थी। अजमेर के अंदर है नसीराबाद। नसीराबाद सैनिक छावनी के अंतर्गत अंग्रेजों का जो शस्त्रागार है वो नसीराबाद छावनी में ही था। हुआ ये था कि जब 28 मई को नसीराबाद में जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री यानी जो पैदल सैनिक थे भारतीय, उन सैनिकों को वहाँ से ट्रांसफ़र करके अजमेर भेज दिया गया, तो वहाँ और अजमेर वालों को यहाँ बुला दिया, बॉम्बे वालों को इधर किया। जब सैनिकों को इधर से उधर किया जा रहा था तो जो नसीराबाद के सैनिक थे, एक तो ये कारण और दूसरा कारण जो चर्बी वाले कारतूस थे वो कारण, उन दोनों कारणों से सैनिकों के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई थी। उसी द्वेष की भावना के अंतर्गत वहाँ के सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जब ये बात दूसरी सैनिक छावनी थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी, जो दूसरी सैनिक छावनी थी वो थी एरिनपुरा। एरिनपुरा वैसे आता तो पाली में है लेकिन उस समय जोधपुर रियासत का अंग था एरिनपुरा। उस समय जोधपुर के महाराजा थे जिनका नाम था तख्त सिंह, वो मान सिंह जी के पुत्र थे। मान सिंह जी ने जब संन्यास ले लिया तो उनके पुत्र तख्त सिंह को राजगद्दी प्राप्त हुई। उसके बाद तख्त सिंह थे जो अंग्रेजों का चेता बनाने के चक्कर में भारतीय जितने भी अपनी रियासत के लोग थे उनके साथ में दोगला व्यवहार करते थे। दूसरी बात, जितने भी सामंत थे, कहते हैं उस समय जोधपुर रियासत के अंदर 8 ए ग्रेड श्रेणी के जागीरें थी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जागीर मानी जाती थी आउआ। तो एरिनपुरा भी पाली में है और आउआ भी पाली में, तो उस एरिनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों ने है से संबंधित ये बात है। तो हुआ क्या था कि जब जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने जब करों के अंदर वृद्धि कर दी, लगान में वृद्धि कर दी, और साथ ही जो आउआ के ठाकुर थे उनका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह, याद रखना दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह 1857 की क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण अंगों व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। तो जब एरिनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, तो विद्रोह करने के बाद वो सारे सैनिक है वहाँ से एरिनपुरा से निकल करके दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। तो उन्होंने एक नारा दिया था एरिनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों ने, वो हुआ 20 अगस्त को एरिनपुरा सैनिक छावनी के अंदर 1857 की क्रांति का आगाज़ हुआ था। तो उस समय जब एरिनपुरा के सैनिक है दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो उदयपुर के पास में एक जगह है खैरवा नामक स्थान पर जो एरिनपुरा सैनिक छावनी के सैनिक और आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य उनकी मुलाकात भेंट हुई। उस भेंट में जब एरिनपुरा के सैनिकों ने ठाकुर कुशाल सिंह को उनका नेतृत्व स्वीकार करने की बात रखी तो ठाकुर इसी बात को लेकर ठाकुर साहब ने उनका समर्थन देने का वादा कर दिया। तो याद रखना दोस्तों, कहीं लगे खरवा लिखा हुआ है, कहीं कई जगह खैरवा लिखा आता है। तो खैरवा नामक स्थान पर इनकी भेंट हुई थी ठाकुर और
एरिनपुरा के सैनिकों की। उसके बाद ठाकुर उन्हें लेकर के आहुआ आ गए, एरिनपुरा के सैनिकों को। आहुआ के किले के अंदर उन सैनिकों का भव्य स्वागत किया गया और ठाकुर इस बात से खपा थे कि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी थे, उन्होंने जानबूझ करके करों में वृद्धि की थी, अंग्रेजों का चहेता बना। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का ये मानना था कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे अंग्रेजों की ही देन है, इसीलिए ठाकुर ये इनके इन प्रकार है वो अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे। इसी बात का फायदा उठाया ठाकुर ने एरिनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों की मदद लेकर। फिर उन्होंने वहाँ पर अपने किले के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध रणनीति बना करके बात है 8 सितंबर 1857 को पाली का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बिथोड़ा। कई जगह बिथोड़ा लिखा आएगा, कई जगह बिठूर लिखा आएगा, बिठूर कहो या बिथोड़ा एक ही चीज़ है। तो 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा बिठूर नामक स्थान पर जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की सेना का नेतृत्व कर रहे थे ओनार सिंह पंवार और राव रणमल, और दूसरी तरफ थे अंग्रेजों की तरफ से हितकोट सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो हितकोट, ओनार सिंह, राव रणमल, एक तरफ तो थे जोधपुर महाराजा की सेना और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे हितकोट, तो अंग्रेज और जोधपुर महाराजा की सेना, और दूसरी तरफ थे ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारी भाई। इनके मध्य बिथोड़ा नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। उस युद्ध को इतिहास में बिथोड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, याद रखना दोस्तों, बिथोड़ा का युद्ध। उस बिथोड़ा के युद्ध में, बिथोड़ा कहो या बिठूर एक ही बात है, उस बिथोड़ा के युद्ध के अंदर भारतीय सैनिकों, जो क्रांतिकारी भाई थे, वो ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ रहे थे। तो जोधपुर के जितने भी सैनिक थे उनके अंदर देशभक्ति का अभाव था, जो जोधपुर महाराजा के सैनिक थे। उस युद्ध के अंदर, बिथोड़ा के युद्ध के अंदर जो 8 सितंबर को हुआ था, उस युद्ध के अंदर जोधपुर महाराजा और अंग्रेजों की सेना बहुत बुरी तरह उस युद्ध में हार गई। और उस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारी भाइयों के सहयोग से युद्ध जीत गए। इस युद्ध ने ठाकुर की जो कद था वो मारवाड़ी नहीं बल्कि भारतवर्ष में ठाकुर का कद है 100 गुना ऊंचा कर दिया। जहां भी क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते वहां ठाकुर का नाम बड़े सम्मान और अदब से लिया जाता था। जब ये समाचार उस समय, याद रखना दोस्तों, उस समय पूरे जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इसी तरह जैसे राजस्थान था, तो राजस्थान का जो पूरा अंग्रेज अधिकारी होता, पूरे राजस्थान को संचालन करने वाला अंग्रेज अधिकारी था, उसकी पोस्ट को कहते थे एजीजी। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जीजी के नीचे एजीजी था और एजीजी के नीचे था पीए, और पीए के नीचे होता था वकील। याद रखना दोस्तों, सबसे ऊपर होता था गवर्नर जनरल। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल तो आप सब जानते हैं लॉर्ड कैनिंग था। तो कैनिंग के नीचे था राजस्थान का वो एजीजी था, एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर। उस समय एजीजी था, उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और जो राजा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला एजीजी कौन है, तो पहला एजीजी है लॉकेट। तो जब दोस्तों ये समाचार 8 सितंबर वाले बिथोड़ा युद्ध के समाचार जब एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को मिले, तो पैट्रिक लॉरेंस को पहली बार तो विश्वास नहीं हुआ कि जोधपुर महाराजा और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को एक छोटे से जागीरदार ने हरा दिया, छोटे से जागीरदार महाराज। जब ये समाचार उनको सत्य में, जब उन्हें समाचार आभास हुआ कि हाँ, जोधपुर महाराजा और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को हरा दिया है, तो उन्होंने जोधपुर महाराजा को दोबारा समाचार मिला कि अगर आपसे कुछ होता है तो ठीक, वरना मैं सेना लेकर आता हूँ। तो कहते हैं उस दूसरी बार जब जोधपुर के महाराजा ने कहा कि मैं अकेले कुछ नहीं करता, आप एक बड़ी सेना भेजिए, तब कहते हैं राजस्थान का जो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस है वो एक विशाल सेना लेकर के आहुआ की तरफ कूच किया। इधर जो पहला युद्ध हुआ था ना दोस्तों, उस बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर का जो सेनापति थे राव रणमल और ओनार सिंह पंवार, वो दोनों मर गए थे और हितकोट वहां से भाग गए 9/11 को कहता। तो जब दूसरी बार 8 सितंबर, मैंने पहले बताया कि 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, बिठूर का युद्ध हुआ था, उसके 10 दिन बाद यानी 18 सितंबर को
एजीजी पैट्रिक लॉरेंस एक विशाल सेना लेकर के आउवा की तरफ कूच करता है और इधर से जोधपुर महाराजा की सेना होती है। जोधपुर महाराजा की सेना के साथ जो अंग्रेज सैनिकों की टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कर रहे थे जोधपुर रियासत के जो पीए थे, पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय मैक मौसन, कई जगह मॉक मैसन लिखा है, मैक मौसन वो एक ही है। तो जो मॉक मैसन था वो एक विशाल सेना लेकर के जब उधर से एजीजी आ गया, इधर से मैक मौसन और जोधपुर के महाराजा की सेना मिली, एक विशाल सेना लेकर के आउवा की तरफ बढ़े। तो आउवा के पास में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है छैलावास। उस छैलावास के गांव के अंदर एक तरफ जोधपुर महाराजा और अंग्रेजों की सेना और दूसरी तरफ थे ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारी भाइयों। और ठाकुर ने तो एक युद्ध जीत चुके थे, उनके अंदर जो सिरे से भरा हुआ था, देशभक्ति सिरे से भरी हुई थी, वो तन मन और मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर को लेकर के युद्ध लड़ रहे थे। उनके अंदर देश के प्रति सम्मान था, उनको कुछ प्राप्त करने की लालसा थी और एक तरफ घमंड था, एक तरफ लालची निष्ठुर लोग थे। जब दूसरी बार 18 सितंबर को दोनों पार्टियां जोधपुर महाराजा अंग्रेज और ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारी भाई लड़े युद्ध मैदान में आए छैलावास में, तो फिर भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध का भी परिणाम यही हुआ जो होना था। इस युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारी भाइयों ने अंग्रेजों को छट्टी का दूध याद दिला दिया। इस युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह विजयी हुए और कहते हैं इस युद्ध के अंदर क्रांतिकारी भाइयों ने और जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मौसन, उस मैक मौसन पकड़ा गया तो मैक मौसन का सर कलम किया और उसके सर को ले जा करके आउवा के किले पर लटका दिया था। सर मैक मौसन जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, मैक मौसन उसका सर काट दिया। कई बार ये एग्जाम पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के अंदर आउवा के किले पर किसका सर लटकाया गया था, तो आउवा के किले पर जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मौसन, उनका सर लटकाया। उसके बाद है बारी थी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो राजस्थान का एजेंट था। पैट्रिक लॉरेंस वहां से भाग गया जैसे तैसे, कुछ कहते हैं ना जहाँ देशभक्त होते हैं वहाँ देशद्रोही भी होते हैं, तो कुछ देशद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट में सॉरी एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को बचा लिया और वहाँ से उन्हें जाने के लिए रास्ता दे दिया। उसके बाद जब दूसरा युद्ध भी छैलावास का युद्ध भी अंग्रेज हार गए। ध्यान रखना दोस्तों, इस युद्ध को इतिहास में है वो काले गोरे के युद्ध के नाम से जाना जाता, काले गोरे का युद्ध, याद रखना काले गोरे का युद्ध। कौन सा? छैलावास का युद्ध 18 सितंबर को हुआ जिसमें भी अंग्रेजों की हार हुई। उसके बाद जब ये चारों तरफ ठाकुर आउवा ठाकुर कुशाल सिंह की जो यशोगाथा है चारों तरफ फैल गई, तब कहते हैं जो उस समय पूरे भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग, जब उसके तक समाचार मिले तो उन्होंने उस समय अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा अंग्रेज अधिकारी था सेना का कर्नल होम्स, उसको एक विशाल सेना दे करके ठाकुर कुशाल सिंह का काम तमाम करने के लिए भेजा। कहते हैं होम्स एक विशाल सेना लेकर के आउवा की तरफ आ धमका, आउवा के अंदर उसने आकर के डेरा डाल दिया और आउवा पर उसने है 20 जनवरी 1858, याद रखना 20 जनवरी 1858 को आउवा के किले पर है दावा बोला। ठाकुर कुशाल सिंह और आउवा के क्रांतिकारी भाइयों ने किले को इस प्रकार से सुरक्षित कर रखा था कि एकदम से वो अंदर नहीं आ सकते। चार दिन सेनाएं बाहर पड़ी रही अंग्रेजों की और जोधपुर महाराजा की सेना, कर्नल होम्स लेके आया था जिसे इतिहास में आउवा का युद्ध के नाम से जाना जाता। 20 जनवरी 1858 को जो आउवा किले पर होम्स ने हमला किया उस युद्ध को आउवा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो किन के मध्य? ठाकुर कुशाल सिंह और कर्नल होम्स के मध्य हुआ था। इस युद्ध में चार दिन बाद अंग्रेजों ने सामदान दंड भेद की नीति अपनाई, अंग्रेजों ने कुछ किलेदारों को लालच दिया और किले का गुप्त द्वार खोल दिया, अंग्रेज अंदर घुस गए। तब आलिनियावास के ठाकुर थे पृथ्वी सिंह जी, बिशन सिंह जी ने ठाकुर कुशाल सिंह को ये सलाह दी कि आप किला छोड़ के बाहर चले जाइए, आप रहेंगे तो युद्ध रहेगा, आप नहीं तो युद्ध भी नहीं। तो कहते उस समय ठाकुर ने जाना पहले तो मना कर दिया, फिर है जब क्रांतिकारी भाइयों ने कहा कि आप हमारे पूरे भारत के क्रांतिकारियों के एक रोल मॉडल हो तो आप चले जाइए, तब ठाकुर है
अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह जी, याद रखना आप पृथ्वी सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह के छोटे भाई थे पृथ्वी सिंह, उनको किले का भार सौंप करके खुद निकल गए। अंग्रेजों ने 10 दिन बाद उस किले आउआ के किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। कहते हैं उस किले के अंदर, किले ही नहीं आउआ और आसपास के गांवों के अंदर कर्नल होम्स और उसकी सेनाओं ने कत्ले आम मचा, चारों तरफ लाशों का ढेर लगा दिया था। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के, कहते हैं पाश्चात्य इतिहासकार कहते हैं कि आउआ का युद्ध है वो अंग्रेज जीते थे, कदापि नहीं जीते। अंग्रेज वहां से आए थे ठाकुर प्रसाद सिंह को मारने या पकड़ने के लिए, वो नहीं कर सके। ठाकुर वहां से सलुम्बर होते हुए वहां से निकल गए, ठीक है। फिर कई कोशिशें, आगे आगे ठाकुर, पीछे पीछे अंग्रेज, लेकिन ठाकुर उन्हें पकड़ में नहीं आए। फिर कहते हैं बहुत लंबे अंतराल के बाद मुनि अलिनियावास के ठाकुर बिशन सिंह के कहने पर है, ठाकुर ने अंग्रेजों के सामने नीमच के अंदर, उस समय नीमच राजस्थान के अंदर आता था जो अंग्रेजों की सैनिक छावनी थी, वहां पर ठाकुर ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और आत्मसमर्पण करने के बाद ठाकुर के ऊपर एक आयोग बिठाया गया और ठाकुर के ऊपर आयोग, उस आयोग का नाम था टेलर आयोग या टेलर कमीशन। और टेलर आयोग ने जांच की और टेलर आयोग में ठाकुर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और इस प्रकार है ठाकुर पुनः है बरी हो गए, किसी प्रकार का दोष साबित नहीं हुआ, ठाकुर बरी हो गए। उसके बाद उनके छोटे पुत्र देवी सिंह आउआ को है 1870 में सारे अधिकार वापस दे दिए। और इस प्रकार है, ये दो युद्ध है दोस्तों, छैलावास का युद्ध और बिठूर का युद्ध, और तीसरा युद्ध है आउआ का युद्ध, ठीक है। कोशिश कर की थी मैंने कि आपको पूरी जानकारी दूं, आशा करता हूं कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अगर आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।